हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, मैं माधुरी एस्ट्रोलॉजर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में। क्या आपके भी फेस पे, हाथ पे या बॉडी के किसी पार्ट पे तिल है? है ना, होगा ही। अगर है तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में तिल के बारे में बताने जा रही हूँ कि उनसे आपको क्या रिजल्ट मिलता है, क्या समझना चाहिए। तिल आपके लिए ऑस्पिशियस हैं, इन ऑस्पिशियस हैं आपके लिए गुड लक लेके आ रहे हैं, बैड लक लेकर के आ रहे हैं। मैं माधुरी एस्ट्रोलॉजर आप सभी के साथ वन बाय वन हर पार्ट पे कहाँ कहाँ तिल होते हैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, कर भला तो हो भला। आपको लगता है ना आपका भला हो रहा है तो वैसे आपके फ्रेंड्स का भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन समझेंगे कि आपके बॉडी पार्ट पे अगर तिल है तो उनका क्या रिजल्ट होता है। सबसे पहले एक बात याद रखनी है, जब भी आपके राइट साइड के बॉडी पार्ट पे तिल होता है तो बहुत लकी होता है। लेफ्ट साइड में होता है तो कहीं आपको ऑस्पिशियस होता है, कहीं इन ऑस्पिशियस होता है। चलिए अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन समझते हैं कहाँ पे तिल होना क्या रिजल्ट देता है। अगर आपके फोरहेड पे तिल है, जी हाँ, अगर आपके राइट साइड के फोरहेड पे तिल है, इट मीन्स बहुत लकी हैं आप। ऐसे लोग ना किसी भी घर में पैदा हो, सपोज आप बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, पर एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में ना कि आप बहुत रिच हो जाओगे। आपको फाइनेंशियल गेन होना ही होना है, आपके पास प्रॉपर्टीज होनी ही होनी है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे ऐसे लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, ईमानदार होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, बस एग्रेसिव होते हैं। इसी का अपोजिट अगर लेफ्ट साइड में हो जाए आपके फोरहेड पे तिल, तो ये संघर्ष में स्ट्रगल का पार्ट लाइफ में बढ़ा देता है। अब अगर फ्रेंड्स किसी की आंखों के ऊपर तिल होता है ना, राइट साइड में है, तो ऐसे लोग को सारी चीज़ें लाइफ में मिलती हैं। अगर लेफ्ट साइड में है तो ऐसे लोगों पे आपको ट्रस्ट सोच समझ के करना चाहिए, थोड़े से दृढ़ स्वभाव के होते हैं और इनके लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा होता है। अब सपोज किसी के कान के ऊपर तिल है, जी हाँ, आपके ईयर के ऊपर अगर तिल है ना तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, सोच समझ कर अपनी प्लानिंग करते हैं। अगर यही तिल आपके कान के अंदर हो जाए किसी के भी, तो ऐसे लोग ना थोड़े से मस्त मौलाल नेचर के होते हैं, मीन्स ऑलवेज इनको फनी टाइप के होते हैं, हमेशा इनको मस्ती करनी, इंजॉय करना लाइफ पसंद होता है। और प्लस थोड़े से ना ये लोग धूर्त भी हो जाते हैं। ऑलवेज आपको लाइफ इंजॉय करनी है तो आप सोचेंगे उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए आप कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करते हो। अब अगर फ्रेंड्स किसी के गालों पे तिल होता है, जी हाँ, चिक्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, अगर राइट साइड में है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग के पास में पैसे, नेम, फेम सब आता है। अगर ये तिल लेफ्ट साइड में है तो ऐसे लोग ना थोड़े खर्चीले होते हैं, पैसे आएगा भी ना तो खर्चा करते हैं, मैनेजमेंट करने नहीं आता है। पर अगर ये तिल रेड कलर का हुआ आपके रेड लेफ्ट साइड के चिक पे, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा फेम देगा और प्रॉस्पर्टी भी आपको बहुत सारा मिलती है। अब फ्रेंड्स, अगर किसी के गले पे तिल हो, कंठ पे जिसको हम बोलते हैं ना, तो गले पे तिल होना बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने देखा है मोस्टली सिंगर्स के गले पे तिल होता है, और ये भगवान अगर किसी के बीचों बीच गले पे तिल हो कंठ पे, तो बोलते हैं ये महादेव का आशीर्वाद होता है। जी हाँ, अपने भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसे लोग पे बना होता है, ऐसे लोग बहुत सच्चे दिल के होते हैं। अब अगर फ्रेंड्स किसी के शोल्डर पे तिल हो, जी हाँ, अगर आपके राइट साइड के शोल्डर पे तिल है तो बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी भाग्यशाली हैं। पर अगर आपके लेफ्ट साइड के शोल्डर पे तिल है ना, तो आप भी भाग्यशाली हो। इट नॉट मीन दैट यू आर नॉट लकी पर्सन, यू आर ऑल्सो लकी पर्सन, बट वॉट हैपन इन सच केस ना, आप लोग थोड़े से एग्रेसिव नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बट स्ट्रगल का पार्ट भी साथ में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है लाइफ में। और ऐसा देखा था ना, कुंडली में अगर मंगल स्ट्रांग होते हैं ना मंगल, तो ऐसे लोगों के लेफ्ट साइड के शोल्डर पे तिल जरूर होता है। अब फ्रेंड्स, अगर आपके चेस्ट पे तिल हो, जी हाँ, चेस्ट पे तिल हो अगर राइट साइड में, तो बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं लाइफ में, बैठी बिठाई भी चीज़ें मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर राइट साइड में तिल हुआ ना आपके चेस्ट पे, तो आप लोग थोड़े से लेजी टाइप के होते हैं, हर चीज़ सोचते हैं कोई दूसरा कर दे, आप करवा भी लेते हो अपने काम दूसरों से, ये होता है। हाँ, हम ना बहुत बारी कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना, अगर कोई मांगलिक इंसान है ना, तो उसके चेस्ट पे जरूर तिल होता है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल, आप चेक कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, अगर आपकी यही राइट साइड लेफ्ट साइड में तिल होगा ना, चेस्ट पे या ब्रेस्ट पे, तो ये दिखाता है ना लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल बढ़ जाती है। अब फ्रेंड्स, अगर कलाई पे तिल होना किसी के रिस्ट पे, तो वो अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी के थाई पे तिल हो, तो थोड़ा से ऐसे लोग ना कामुक होते हैं।
अब अगर किसी के नी के ऊपर तिल होता है, आपके या किसी फ्रेंड के नी के ऊपर तिल होना, नी के ऊपर तिल होना राइट साइड में बहुत अच्छी बात है, पर अगर लेफ्ट साइड में होना तो ऐसे लोग थोड़े से घुमक्कड़ ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी के टो के ऊपर तिल हो, जी हाँ, आपके अंगूठे पे तिल हो या पैर के तलवों में तिल हो ना, तो ऐसे लोग को घूमना बहुत पसंद होता है, इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ये हर समय ट्रैवल करना ही पसंद करते हैं। इनके दिमाग में एक ही चीज़ निकलती है, बस अगर आप मेल पर्सन है तो अपनी रॉयल इनफील्ड लेंगे और बस निकल जाएंगे घूमने के लिए, या फिर आपका प्लान हमेशा बनता है चलो गोवा जाते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, ये प्लानिंग चलती रहती है। फ्रेंड्स, अगर किसी के टमी पे तिल होता है ना, तो टमी पे अगर तिल होता है तो ऐसे लोग ना काफ़ी हाजिर जवाब होते हैं, फटाफट हर चीज़ों का आंसर देते थे, प्लस ना ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। तो जब ये शादी करने जाते हैं, अगर आपके या आपके किसी फ्रेंड के हैं, तो शादी करने से पहले ना आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप एग्रेसिव नेचर के हो, तो अब सामने वाला भी एग्रेसिव नेचर का हो तो कहाँ से बनेगी, फिर तो दिन में रोज़ घर में महाभारत ही होने वाली है और बाजू वालों का एंटरटेनमेंट होने वाला है। मच बेटर आप सोच समझ के अपना लाइफ पार्टनर चूज करें, आप एग्रेसिव हैं तो वो कूल माइंडेड हो, इस टाइप का आपको सर्च करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, किसी किसी के नोज पे तिल होता है, जी हाँ, नोज पे बीचों बीच में तिल होता है, तो ऐसे लोग भी ना एग्रेसिव नेचर के होते हैं। ऐसा मैंने पहले बहुत सुना था कि जिसके नाक पे तिल होता है, ऐसे लोगों की अपने कपल्स अगर मैरिड हो तो उनकी अपनी जमती नहीं स्पाउस से, क्यों नहीं जमती है? ऑब्वियसली आप थोड़े से एग्रेसिव हो तो हर बात पे आप कमांडिंग, ऐसे लोग थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, थोड़े से रूड नेचर के होते हैं। अब डोमिनेटिंग हो रूड हो तो ऑब्वियसली आपका आर्ग्यूमेंट होने वाला है पार्टनर के साथ में, तो यहाँ पे भी सोच समझ के आपको शादी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर किसी के पाम के अंदर तिल हो, जी हाँ, पाम, आप लोग बहुत सारे लोग ना पूछते, मेरी कोई पूछता है मेरे इंडेक्स फिंगर पे तिल है, कोई बोलता है मेरे लिटिल फिंगर में तिल है। देखिए, फिंगर्स पे तिल होना अच्छी बात है, पाम में अंदर की तरफ तिल है अच्छी बात है। एक बात और, जब आप अपना सारी उंगलियों को बंद करके मुट्ठी बनाते हैं ना फिस्ट, तो आपको देखना चाहिए कि तिल अंदर आ रहा है मुट्ठी में या बाहर जा रहा है। अगर बाहर जा रहा है ना, तो एक बात समझ लो, पैसे आए और शॉपिंग की प्लानिंग स्टार्ट हो गए कि ये लेना है वो लेना है। कभी कभी तो ऐसे लोग बिना पैसे आए भी सारी की सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझे तो आज इस मॉल में जाना है, यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। जी हाँ, इट मीन्स आप काफ़ी खर्चीले नेचर के होते हो, पैसे आते हैं और आते ही खर्च कर देते हो। पर एक बात याद रखो, जब पैसे आएंगे तभी तो खर्च करोगे ना, इट मीन्स अच्छा ही है, इतना भी बुरा नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया थोड़ा सा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तिल से रिलेटेड। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, कर भला तो हो भला। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पर्सनली आप कॉन्टेक्ट करके बोल दो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करूँगी। बाय द टाइम, टेक केयर, अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।